बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और उससे पहले मॉर्फीमिक एनालिसिस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ अ प्रोसेस, ये एक फिनोमिना है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हम न्यू वर्ड्स बनाएं, यानी कि हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न को, यानी कि हम किस तरह एक सिस्टमैटिक वे में मीनिंग्स को आपस में जोड़ते हैं वर्ड्स को, ठीक है, और फिर हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक कम्प्लेक्स वर्ड्स का सेट बने या न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। और मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी से क्या होता है, न्यू कम्प्लेक्स वर्ड्स बनते हैं या वर्ड्स की इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स बनती हैं। मैंने एक वीडियो में ये बात एक्सप्लेन की थी कि इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ ग्रामेटिकल जो कैटेगरी है उसको चेंज करते हैं, बल्कि मीनिंग को चेंज नहीं करते। तो दिस वॉज जनरल इंट्रोडक्शन कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ मीन ऑफ चेंजिंग अ स्टेम टू एडजस्ट इट्स मीनिंग टू फिट इट्स सिंटैक्टिक एंड कम्युनिकेशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हम इसमें रूट वर्ड के साथ न्यू वर्ड्स लगाकर ऐसे वर्ड्स बना देते हैं जिससे उसके मीनिंग्स भी चेंज हो, ठीक है, उसकी सिंटैक्टिक कैटेगरी भी चेंज हो, कम्युनिकेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो फिट हो। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में इस चीज़ की कोई लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि कि जो वर्ड्स बनने हैं वो उसकी ग्रामेटिकल चेंज हो, ग्रामर उसकी लेक्सिकल साख्त जो है वो चेंज हो या ना हो। इट्स ओपन, ये एक बड़ा ही ओपन एंडेड फिनोमेना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिकली है क्या। पहली बात मैंने क्लियर कर दी कि दिस इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। इन द नेक्स्ट इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ अ फिनोमेना इन विच स्टेम इज चेंज्ड सेमांटिकली एंड सिंटैक्टिकली टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में हम जो वर्ड का रूट वर्ड है उसको हम चेंज करेंगे या उसके साथ कोई ऐसा वर्ड ऐड करेंगे कि वो सिमेंटिकली यानी कि उसका मीनिंग भी चेंज हो जाए एंड सिंटैक्टिकली यानी कि वो स्ट्रक्चर वाइज ग्रामर वाइज भी वो चेंज हो जाए और एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाए। अब किस तरह से हमारे पास वर्ड्स न्यू आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के थ्रू। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं, मैंने जब लेक्सिकल स्टडीज़ वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने सारे वर्ड प्रोसेसेस को कम्प्लीटली डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ कंपाउंडिंग, व्हाट इज़ ब्लेंडिंग, व्हाट इज़ क्लिपिंग। तो ये प्रोसेसेस जिसके थ्रू न्यू वर्ड्स बने ये सारे मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में आते हैं। सो कौन कौन से हैं ये, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, कॉइनेज, एक्रोनिम, अफिक्सेशन, इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हैज़ टू कॉन्सेप्ट्स, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक अवेलेबिलिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। ये वर्ड्स की न्यू फॉर्मेशन है कि वर्ड के जब वर्ड्स बनते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो अवेलेबिलिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। द फॉर्मर इज़ अ सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आप सिस्टम के थ्रू बनाते हैं, वाइल द लेटर वन इज़ नॉन सिस्टमैटिक, ये अरेंजमेंट और नॉन अरेंजमेंट की बात है। तो द मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द एडिशंस इन वर्ड कैटेगरी क्रिएटेड बाय मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ओवर टाइम, ठीक है। यानी जिस तरह वर्ड्स न्यू फॉर्मेशन होती जाएगी वर्ड्स की, वर्ड्स नए बनते जाएंगे, उसी तरह मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, फेस एंड बुक, दीज टू वर्ड्स कम्बाइन एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड दैट इज़ फेसबुक। सिमिलरली इंस्टाग्राम, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेंडेड वर्ड जिसमें हम इंस्टा एक अलग वर्ड है, ग्राम एक अलग वर्ड है, बट ये आपस में मिलकर एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं जिसका जो है इंस्टाग्राम। सेम एज इट इज़ ये है सेल्फी, जैसे कि ये वर्ड पहले नहीं था बट अब इसको डिक्शनरी में शामिल कर दिए। सो सेल्फी इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर्म बाय अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, और ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है कि हमें न्यू वर्ड्स, न्यू प्रोडक्ट्स मिल रही हैं क्विकली। ये अब डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शन कैटेगरीज में आ जाते हैं कि इसके साथ हम कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करेंगे और फिर आगे हमारे पास न्यू वर्ड आ जाएगा। ये बहुत सी एग्जांपल है लाइक क्विकली, कोल्ड, वॉकरी, डिबल, गुडनेस एंड मैनी मोर। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ
मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इनकी अप्रोचेस की, ठीक है। सबसे पहले जो इसका अगर मैं देखूं तो मेजर हमारे पास सोर्स होता है प्रोडक्टिविटी का, वो होता है डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात करें सो देयर आर मेनी मोर लाइक वेज टू मेक न्यू वर्ड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला एक सिस्टम है डैट इज़ डिक्शनरी। बिकॉज डिक्शनरी इज़ अ थिंग जिसमें आपको बहुत से लाइक द समथिंग डैट इज़ ऑफिशियल, डैट इज़ करेक्ट, आप उस पर कोई वो नहीं कर सकते कि दिस इज़ रॉन्ग, द वर्ड एग्जिस्ट जो कि डिक्शनरी में होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस कितना प्रोडक्टिव है, उसमें कितने न्यू वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ न्यू वर्ड्स में कोई डिक्शनरी कोई वर्ड ऐड हो जाता है तो इसका मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस को हम मेजर कर सकते हैं कि वो प्रोडक्टिव है। व्हाई? बिकॉज द न्यू वर्ड्स आर फॉर्मिंग, ठीक है, और जो वर्ड फॉर्मेशन का एक रूल है दैट इज स्टिल एक्टिव। तो ये चीज़ें पहचानने के लिए, मेजर करने के लिए हम डिक्शनरी का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके आगे जो इसकी अप्रोचेस की टाइप है जिसे हम न्यू वर्ड्स फॉर्म करते हैं वो तीन तरह की हैं, ठीक है। एक है कॉर्पस बेस्ड अप्रोच, एक है एलिसिटेशन टेस्ट, एक है न्यू मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी बट आई विल गिव सम बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जिससे क्लियर हो जाएगा ये तीन चीज़ें क्या हैं। कॉर्पस बेस्ड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है, ठीक है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को मेजर करने की जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि हम ये मेजर करते हैं इस अप्रोच में कि कितने वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इससे बढ़ जाती है कॉर्पस बेस्ड अप्रोच से। एलिसिटेशन टेस्ट हमारे पास एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम चेक करते हैं कि वर्ड में कितना पोटेंशियल है, जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है उस वो पोटेंशियली कितना एक्टिव है, ठीक है, और वो किस तरह से लाइक न्यू वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड पहले नहीं था तो वो किस तरह से अब बना है, ये सारे हम टेस्ट करते हैं जो कि कहा तो होता है एलिसिटेशन टेस्ट। न्यू मैथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली ये वो मैथड्स हैं जिसमें हम न्यू वर्ड्स फॉर्म करते हैं। कैसे? इसमें वो सारे मैथड्स आते हैं, प्रीफिक्स ऐड करना किसी वर्ब के साथ, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स वर्ड के साथ कोई सफिक्स ऐड करना, सो एडिंग न्यू वर्ड्स इन ऑलरेडी प्रेजेंट वर्ड्स दैट इज द न्यू मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सेम सिमिलरली लाइक अगर पूरी बात का हम एक कंक्लूजन निकालें तो मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ फिनोमिना जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि नए वर्ड्स को जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। और जैसे जैसे वो वर्ड्स बनते हैं वो डिक्शनरी में ऐड होते हैं और उनकी अप्रोचेस हमने देख ली तीन हैं, एक कॉर्पस बेस्ड, एक एलिसिटेशन टेस्ट और एक न्यू मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये हमें न्यू वर्ड्स कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाने के काम आता है और इसकी एग्जाम्पल्स हमने देखी, फॉर एग्जाम्पल सेल्फी, फेसबुक एंड मैनी मोर। सो थैंक यू सो मच।